दोस्तों, गर्मी आ गई है और तला भुना खाकर हो गए हो बोर, तो घर के ही सामानों से बनाए कम मेहनत में बहुत ही टेस्टी रेसिपी जो कि बहुत ही ज़्यादा खाने में अच्छा लगता है, तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने 6 ब्रेड ले लिया है और अब जो है हमने के साइड वाला हिस्सा जो है इसे हम हटा देंगे ब्राउन पार्ट को। तो देखिए हमने यहाँ पे जो है ब्राउन पार्ट को जो है हटा दिया है। इसी तरह से जो है हम सभी ब्रेड से ब्राउन पार्ट हटा देंगे। तो देखिए हमने ब्रेड का जो है ब्राउन पार्ट हटा दिया है। अब इसे जो है एक कोने से दूसरे कोने तक मिलाते हुए इसे हम कट कर लेंगे डायमंड शेप में। तो देखिए हमने सभी ब्रेड को जो है डायमंड शेप में कट कर लिया है, तो अब इसे साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे जो हमने एक कटोरी ले लिया है, इसमें हम 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और ठंडा दूध डालकर जो है इसे हम मिक्स करेंगे जिससे कि इसमें जो लम्स है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए हमने कस्टर्ड वाला दूध जो है यहाँ पे तैयार कर लिया है और इधर जो है हमने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था, तो यहाँ जो हमने 1 लीटर दूध लिया था जो कि बॉयल होकर अब 1/2 लीटर बचा है। तो 2 मिनट के लिए हम दूध को और पका लेते हैं। तो देखिए हमारा दूध जो है कितना गाढ़ा हो गया है। तो अब यहाँ जो है हम कस्टर्ड वाला दूध जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हुए हम दूध में डालेंगे चलाते हुए। तो देखिए हमने चलाते हुए कस्टर्ड वाला दूध जो है मिक्स कर दिया है। अब इसे हम चलाते हुए गाढ़ा होने तक इसे हम पकाएंगे। तो देखिए गाढ़ा हल्का हो गया है, तो अब यहाँ जो है हम चीनी डालेंगे और चीनी डालकर जो है इसे हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे जिससे कि चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए और हमारा कस्टर्ड वाला दूध जो है वो भी गाढ़ा हो जाए, तब तक इसे हम पकाएंगे। तो देखिए हमारा कस्टर्ड वाला दूध जो है वो अच्छे से गाढ़ा होने लगा है। तो अब जो है हमारा कस्टर्ड वाला दूध वो अच्छे से गाढ़ा हो गया है, तो अब इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ जो हमने एक कटोरी में जो है 2 चम्मच दूध का पाउडर लिया है, अब इसमें हम फ्रेश मलाई डालेंगे और इसे मिक्स करते हुए एक अच्छा सा पेस्ट तैयार करेंगे। तो देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है जिससे कि हमारा दूध वाला पाउडर जो है वो अच्छे से क्रीम के साथ में मिक्स हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब इसे जो है हम साइड में रख लेते हैं और यहाँ जो हमने ब्रेड यहाँ से उठा लिया है। अब एक ब्रेड पे जो है जो हमने ये क्रीम तैयार किया था वो क्रीम इस पे लगाएंगे। अच्छे से हमें इस पे लगाना है और यहाँ जो है हम दूसरा ब्रेड जो है इसके ऊपर अब हम रख देंगे। तो इसी तरीके से जो है हम सभी ब्रेड को जो है तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ जो है हमने सभी ब्रेड को तैयार कर लिया है, तो अब यहाँ जो हम इसे साइड में रख देते हैं और यहाँ जो हमने एक बाउल ले लिया है। अब इसमें जो हमने ब्रेड तैयार किया था क्रीम के साथ उसे हम इसमें सजाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमने सभी ब्रेड को सजा दिया है और इधर जो हमारा कस्टर्ड वाला दूध जो है वो भी ठंडा हो गया है और अच्छे से गाढ़ा हो गया है। तो अब हम इस ब्रेड के ऊपर में कस्टर्ड वाला दूध डालेंगे। तो देखिए हमने सभी ब्रेड के ऊपर जो है अच्छे से ये कस्टर्ड वाला दूध जो है डाल दिया है, जिसे अच्छे से
इस पे कस्टर्ड वाला दूध कोट हो गया है। तो अब जो है यहाँ पे थोड़े से यहाँ हमने बारीक कटा हुआ काजू ले लिया है, इस पे डाल देंगे। साथ में जो हमने किशमिश लिया है, आप चाहे तो यहाँ बादाम पिस्ता भी डाल सकते हैं। और यहाँ थोड़े से हमने चेरी लिया है और इसे भी इस पे डाल देंगे। अब इसे आप जो है ठंडा करके उसके बाद इसे खाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कैसी बनी है।